स्कूल में ना आधे बच्चों को जमीन पे बैठाया जाता है। अच्छा कैसा स्कूल है वो? वो अच्छा स्कूल है, इसके अंदर ढंग से पढ़ाते नहीं, कोई टीचर कभी आती है तो कभी आती ही नहीं है। जब ना कोई बाहर से कोई आदमी आता है तब कहते हैं कि ना कुछ भी जो पूछे ना बोल देना कैसी पढ़ाई हो रही, बोलती है कि अच्छी हो रही है ये बोलना। पहले से सिखा दिया जाता है। हाँ नहीं, मैं उस स्कूल के बारे में कंप्लेन करना चाहती हूँ जो केजरीवाल बोलते हैं मनीष सिसोदिया कि दिल्ली में स्कूल बहुत बढ़िया कर दिए हैं, सरकारी स्कूल का बुरा हाल है, अब गंदा खाना आता है बच्चों के लिए, यही सब है। कौन सा स्कूल? कौन सा स्कूल? गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल बिंदापुर। बिंदापुर में? हाँ बहुत गंदा खाना आता है, नहीं दे रहे हैं अभी। हाँ तो एक महीने स्कूल हो गया खुले, बच्चे वैसे जाएंगे खाली बैठ के आएंगे। बेटा आप कौन से स्कूल में जाते हैं? गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल बिंदापुर। बिंदापुर में? अच्छा कैसा स्कूल है वो? वो अच्छा स्कूल है, इसके अंदर ढंग से पढ़ाते नहीं, कोई टीचर कभी आती है तो कभी आती ही नहीं है। टीचर नहीं आते स्कूल? नहीं, और आएंगी ना मैम बैठती है, कुछ पढ़ाती नहीं है उस स्कूल में, कुछ नहीं पढ़ाती है। हाँ कौन सी क्लास में? जब ना कोई बाहर से कोई आदमी आता है तब कहते हैं कि ना कुछ भी जो पूछे ना बोल देना कैसी पढ़ाई हो रही, बोलती है कि अच्छी हो रही है ये बोलना। सिखा दिया जाता है? हाँ आप क्या कहना चाहते हैं? आज जो हुआ बता दे। हाँ बता दे। क्या हुआ आज? वो ड्राइंग कंपटीशन अचानक से रख दिया, फिर ना किसी के मम्मी पापा का नहीं पता था, सब इधर उधर ढूंढ रहे थे, फिर ना मेरी मम्मी वो अंदर जाके कंप्लेन करी तब बताया था उन्होंने सब कुछ। स्कूल में खाना कैसा मिलता है? वो गंदा खाना मिलता है, वो बिन नमक के मिलता है, कभी कभार ज़्यादा मीठा होता है, कभी नमक डालते हैं। बोल दो केजरीवाल ऐसे ही बच्चों को अपने खाना खिलाते हैं? केजरीवाल अपने बच्चों को ऐसे ही खाना खिलाते हैं इतना गंदा, उसके अंदर कभी किसी खाने में नमक नहीं होगा, नहीं तो कभी चीनी होगी ज़्यादा भर देंगे। खाना बहुत गंदा होता है। हाँ और क्या क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे बैठने के लिए, डेस्क वगैरह हैं? जब बच्चे ना ढेर सारे बच्चे आते हैं स्कूल में ना आधे बच्चों को जमीन पे बैठाया जाता है। हाँ तो देखा आपने, दिल्ली के अंदर अगर जमीन पे बैठना पड़े तो दिल्ली और शहर में क्या फर्क है, बच्चे बता रहे हैं। और क्या क्या प्रॉब्लम है मतलब बैठने में? क्या नाम है, वहाँ वो तीन तीन चार चार करके बैठाएंगे तो भी ना डेस्क कम पड़ेगा, ये नहीं डेस्क ले आए वो कि जमीन पे सब बच्चों को बैठा देंगे। कोरोना है और डेस्क पे सस्का के बैठाएंगे तो नहीं कोरोना है, और वैसे डेस्क पे 10 बच्चे बैठाएंगे नहीं तो जमीन पे बैठाएंगे गेट पे। तो देखा आपने केजरीवाल के बारे में, जैसे ये तो बहुत प्रचार करते हैं, एक दो स्कूल बना दिया बस उसी को प्रचार में लाते कि हमने इंडिया का सबसे अच्छा स्कूल बनाया। इन बच्चों ने बताया, छोटे बच्चे, इनको ना किसी ने सिखाया ना कुछ, इनके स्कूल है, हम भी जाएंगे किसी दिन इनके स्कूल का जायजा लेंगे। लेकिन केजरीवाल सर ये जो बच्चे बोल रहे खाना अच्छा नहीं मिलता, बैठने के लिए डेस्क नहीं है, आपने दूसरे राज्य में जाके जो स्कूलों को दिखाते हैं, कभी आके आप अपने दिल्ली के स्कूलों को भी दिखाएं, एक दो स्कूल दिखाने से नहीं बनता है। तो इन बच्चों को के बारे में एक बार सोचा जाए, और मैं गुजारिश करूँगा कि इनके स्कूल में जो भी व्यवस्था है उनको पूरा दिया जाए, क्योंकि बैठने के लिए डेस्क नहीं है। और कोरोना महामारी में जैसे कि पहली चल रहा है इतनी महामारी, एक डेस्क पे ये बोल रहे हैं कि चार बच्चे बैठ रहे थे, बहुत गलत बात है।